हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, अब धीरे धीरे इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म हो रही है। काफ़ी दिन के बाद हम लोग वीडियो फिर अपलोड कर रहे हैं। अब लग रहा है कि कोरोना वायरस का भी प्रभाव ख़त्म होगा और हम लोग का क्लास रेगुलर होगा। लेकिन फिर से वही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, अपने प्रॉब्लम को देखिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने डायरेक्टर सर से बात कीजिए कि हमको कहाँ पे समझ में नहीं आई है, क्योंकि हम लोग फिर से उसको समझाने का प्रयास करें। चलिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि उसमें देखे थे हम लोग कि कैरिजारो रिएक्शंस 8 नंबर का बात हुआ था और हमने कहा था कि उसके बाद होगा एल्डोल कंडेंसेशंस क्या है और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशंस क्या है। देखते हैं 9 नंबर। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, डिफिनेशन ये कहता है कि व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH, कॉमन सेंस का बात है। हमने कहा था कि एक डाइल्यूट NaOH, याद होगा, और यहां पे कह रहे हैं हम कि कंसंट्रेट NaOH। डाइल्यूट NaOH किसमें लिया गया था? जेटरमैन कोच रिएक्शंस में लिया गया था। उसमें भी फॉर्मेशन होता था कि जब एल्डिहाइड डाइल्यूट NaOH के फॉर्म में रिएक्ट कर रहे थे प्रेजेंस में, तो भी हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन कर रहे थे। और एल्डोल कंडेंसेशन भी वही कहता है, बस फर्क इतना है कि इसमें किसको लिया गया है, कंसंट्रेट NaOH को लिया गया है। देखिए, यह है हमारा कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है? प्रोपनलडिहाइड, मीथ एथ प्रोपनलडिहाइड या फिर प्रोपेनल। और दूसरा फिर लेते हैं यहां पर, उसका भी नाम वही होगा, प्रोपनलडिहाइड या प्रोपेनल। बस फर्क है किसके साथ, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस। तो किसका फॉर्मेशन होगा? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। किसका फॉर्मेशन होगा? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का। वही काम करेंगे, यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन आकर के अटैच हो जाएगा। जैसे यहां पर अटैच होगा तो हम लोग को फिर वहां सजा करके और लिख लेना है। बस एक बार इस बात को समझने का, कंसेप्ट रखने का अच्छा तरीका होना चाहिए, बाकी काम आप खुद से कर सकते हैं। देखिए, हमने सजा करके लिख लिया OH और यहाँ पर H। अब ये कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? इस कार्बन एटम के साथ। तो जैसे इसके साथ जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन है, 1 और 1 2। यहां देखिए 1 1 2 और फिर क्या होगा, 1 1 और इसके साथ क्या हो जाएगा, CO और H। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? एल्डिहाइड है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? हाइड्रोक्सी है। कह रहा था कि एल्डोल कंडेंसेशंस की एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट NaOH, आफ्टर दैट फॉर्म द हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हो गया यहाँ पर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। वही बात लिखा जाएगा 4-hydroxyhexanol। यहाँ पर क्या लिखिएगा? 4-hydroxyhexanol। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। और इसके आगे जो 10 नंबर का बात है, वो कह रहा था कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? क्रॉस का मतलब होता है कि चेंज कर दिया, क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। यहां पे जो काम होगा, इस रिएक्शंस में एल्डिहाइड ही भाग लेंगे बट डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे। यहां पर सेम एल्डिहाइड था, देखिए प्रोपनलडिहाइड और प्रोपनलडिहाइड। कहता है कि व्हेन एल्डिहाइड डिफरेंट When different types of aldehyde take part in reactions, after that form the hydroxyaldehyde।
दैट इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। थोड़ा सा डिफरेंट कर लेना है तो थोड़ा सा डिफरेंट हम ये कर लेंगे, यहाँ से इस एक कार्बन टर्म को हटा देंगे तो स्टिल डेड हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपाइल डेड हो जाएगा। या अगर आपको आगे ऐड करना है तो प्रोपनल डिहाइड है तो ब्यूटल डिहाइड लिख लीजिए, ब्यूटेनल लिख लीजिए, बस फर्क है कि डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक कार्बन चेन उसमें से कम कर, इस कंपाउंड का क्या नाम है, एसिटल डिहाइड। क्या नाम है, एसिटल डिहाइड। और यहाँ पर उस यहाँ पर क्या किया कि प्रोपनल डिहाइड को रहने दिया, इसको रंग दिया प्रोपनल डिहाइड को। तो प्रोपनल डिहाइड है ये एसिटल डिहाइड, यहां पर लिख देते हैं एसिटल डिहाइड, यहां पर लिख देते हैं प्रोपनल डिहाइड। मतलब क्या, देखिए यहां सेम फेज में था और यहां पर क्या हो गया, डिफरेंट फेज में हो गया। क्या है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यहां पर भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का इंक्रीपेशन हुआ है लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन से या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन से, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स दैट इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, देखिए फिर से वही बात होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, एक कार्बन एटम इसके साथ ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर CH3CH3। यहां पर H आकर के अटैच हो गया, वो H हो गया ये कार्बन टर्म इस कार्बन टर्म के साथ H H। और फिर जैसे है हम लोग लिख लिए COOH। क्या देखने को मिला, ये एल्डिहाइड है और ये हाइड्रोक्सी है, फॉर्मेशन तो उसी का हुआ, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का ही हुआ लेकिन किस रिएक्शन के दौरान, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान। यहां पर हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन हुआ लेकिन किसके दौरान, एल्डोल कंडेंसेशन के दौरान। इसको भी यहां पर जनरली लिख सकता लिखा जा सकता है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और यहां पर क्या है, एल्डिहाइड भी है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, विशेष केवल आप कॉन्सेप्ट रखते चलिए, भागते हैं लोग ऑर्गेनिक से, कभी मत भागिए, इतना आसान है ये कि इसको पूछिए मत, बस केवल एक बात समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। और सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको दे दिए हैं, ये बात 11th में जब हम आपको सब पढ़ाई हो गया था, फिर भी हमने फिजिकल पढ़ाने के बाद, ऑर्गेनिक पढ़ाने के बाद, ऑर्गेनिक में बहुत सारा बात बताते हुए कहा था कि सेकेंड ईयर में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और आप मिला रहे होइएगा कि पीछा नहीं छोड़ रहा है, ना नॉर्मल जज्जा छोड़ रहा है, ना फंक्शनल ग्रुप छोड़ रहा है, और ना ही वो रिएक्शन छोड़ रहा है। तो बस एक कंसेप्ट रखिए और इस पर काम कीजिए, और जो भी आगे नोट्स में दिया गया है आप खुद समझ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक इसी मेथड पे है, बस थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस करने हैं, नेमिंग रिएक्शन जानना है। नेमिंग रिएक्शन जान गए, कोई भी कॉम्पिटेटिव, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे अदरवाइज दूसरा भी हो, आपसे नहीं छूट सकता है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे, थैंक्स।